गाइस फ्लैश एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज हम लोग खेलने वाले कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल, हाँ कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल खेलने वाले हैं। ओके, तो कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल के अंदर हम लोग खेलने वाले हैं बैटल रॉयल एंड वो भी सोलो वी स्क्वाड। देखते हैं आज क्या अपन सोलो वी स्क्वाड कर पाते हैं या नहीं। ठीक है, तो मेरा सब कुछ तैयार है। आप सब थोड़ा लोड आउट सुधार देते हैं यहाँ पे वेपन कैम हाउस में जाके अपन हमारा एक सेकेंड एक ही चेंज कैम हो देखते हैं। मिथिक लेजेंडरी एपिक रेयर स्किन है मेरे पास स्टेलवॉट ई स्पोर्ट। छोड़ो मेडिक और कुछ नया है, मैकेनिक का वो आया। ठीक है, तो अपन ये ब्लू वाला रख लेते हैं हार्ड वाटर, क्योंकि मैं मैकेनिक ही ज़्यादा यूज़ करता हूँ। विंग सूट एक नया आया है तो ये वाला ही रखते हैं। रॉयल फ्लश ये क्या है? देखो मेरा ज़्यादा कुछ डाउनलोडेड नहीं है इसलिए मुझे माफ़ कर दीजिए। मतलब ऐसा डाउनलोडेड नहीं है, मतलब पर्टिकुलरली कुछ ऐसा डाउनलोड नहीं है। विंग सूट विद रॉयल फ्लश कैमो ये रखते हैं। चलो एंड और कुछ तो है नहीं, मैच शुरू करते हैं और देखते हैं कि हम लोग क्या कहते हैं सोलो वी स्क्वाड निकाल पाते हैं या नहीं। और हाँ, मूवी जेन से रिकॉर्ड करो, मेरा वो वाला रिकॉर्डर पता नहीं मेरे को पता नहीं मेरा वो वाला रिकॉर्डर क्यों चल नहीं रहा है, इसलिए मुझे मूवी जेन से रिकॉर्ड करना पड़ रहा है। बट एनीवेज, मैच चालू होने के बाद मैं आप सबसे मिलता हूँ। और गाइस मैच शुरू हो चुकी है यहाँ पे और स्क्रीन भी उल्टा सुलटा होने का शुरू हो चुका है। तो हम लोग उतरने वाले ब्लैक मार्केट पे, मैंने देखा नहीं पर ब्लैक मार्केट पे ही मैं यूजुअल उतरता हूँ। तो पहुँच पाएंगे ब्लैक मार्केट? जी हाँ, जरूर पहुँच पाएंगे। जैसे ही फार्म यहाँ पे पहुँचता है वैसे ही अपन फार्म से कूद के सीधा ब्लैक मार्केट पे चले जाएंगे। एंड यह थोड़ा सा डिस्टेंस और कम हो जाए। ओके, डिस्टेंस कम हो रहा है एंड दैट्स इट। अभी ज़्यादा हो रहा था, ब्लैक मार्केट पहुँचना है। ब्लैक मार्केट जाएंगे क्योंकि ब्लैक मार्केट में एक्चुअली सच्ची को अच्छा लगता है, इसलिए मैं ज़्यादा प्रेफर ब्लैक मार्केट करता हूँ। ओके, नहीं करना मेरे को केबीसी में एंटर। ठीक है, तो यहाँ पे अपन पहुँच चुके हैं। पिकाचू शड़ा रिज्यूम, ये क्या हुआ? हाँ ओके, टेक्टिकल स्कोप उठा लेते हैं। यहाँ पे मेडिकेट मिलवा था, वेस्ट लेवल 1 उठा लिया। यहाँ पे कहीं पे गन मिल जाएगी, मार्कर हटा दो। गन नोवा गैस मिल चुका है। देखो मेरे को ज़्यादा नोवा गैस पसंद नहीं है इसलिए मैं वेस्ट करूँगा उसमें। आर्टिक 50 मिल चुके हैं यहाँ पे, एक स्नाइपर ICR। चलो एक अच्छी सी गन ICR के अंदर कोई तो होगा। ICR के अंदर लगाओ। ओके, ये वाला ज़्यादा बेटर लग रहा है मेरे को 3x के जगह, यू नो। देखते हैं एक सेकेंड, ओ जोन मेरे पे नहीं बना है, एक बार 3x भी चेक करके देख लेते हैं। नहीं, मेरे को नॉर्मल टैक्टिकल ज़्यादा पसंद है, आई डोंट नो व्हाई, बट नॉर्मल टैक्टिकल इज़ बेटर, स्कोप अच्छा है और वो भी बाद में यूज़ करेंगे। वरना जो रेड डॉट है, नहीं रेड डॉट भी नहीं, टैक्टिकल स्कोप ही लगा कर। ओके, नीचे तो कुछ है। ओ माय गॉड, कॉर्डाइट भी है, चॉपर है ना। हाँ आई गेस स्नाइपर तो मैं चलाने वाला नहीं हूँ, रखते स्नाइपर। स्टेबलाइजर मिल चुका है यहाँ पे, एक शॉर्ट गन पड़ी है। शॉर्ट गन बता दे क्योंकि स्नाइपर मैं नहीं चलाने वाला। हाँ हाँ, आप सभी में से बहुत सारे लोग कहेंगे आजे तू कितना बड़ा पागल है कि तू स्नाइपर नहीं चला रहा। नहीं चला रहा, मेरे को नहीं पसंद। टैक्टिकल स्कोप, अबे शॉटगन में टैक्टिकल स्कोप,
कैसे? छी यक। नहीं रे, शॉटगन में अच्छी नहीं लगती है। गाड़ी आ तो बाद में स्पॉन कर लेंगे, सबसे पहले अपन को एक अच्छी सी शॉटगन के जगह गन चाहिए होगी, क्योंकि शॉटगन यू नो इट डजंट लुक्स बेटर। शॉटगन मुझसे अच्छी चलती नहीं है, इसलिए एक ही या फिर ऐसा कुछ दिख जाए ना तो अच्छा है। ICR एक अच्छी गन है, उसके डिपेंडेंट पे मैं अभी के लिए तो रह ही सकता हूँ, बट वो भी ज़्यादा टाइम तक नहीं रह सकता क्योंकि मेरे पास ICR की भी एमो कम है। हीलिंग सब जाके मिले, एक एडरलाइन मिला है और एक ये चीज़ मिली है। अबे नीचे तो कुछ तो है लगता है, रुको चेकआउट करके आते हैं। इधर से नहीं जाना सर, जाना। ओह ये क्या है? ओह व्हाट इज दिस? ये मिल गई, अच्छा है। शॉटगन डाल बैड में, इसको डाल। क्या है ICR अब मेरे को चाहिए? हेवी एमो दे। ये है क्या? माय गॉड यार, क्या है ये होलोग्राफिक साइड है? ASM-10 तो भाई, ASM-10 अच्छी गन है। और फिर यहाँ पे नोवा गैस ले लिया मैंने यहाँ पे। और गाइस यहाँ पे एक और है यहाँ पे, और जस्ट सके ना गाइस। ओह माय गाइस, यहाँ पे कौन सी गन निकाल रहा है? चॉपर, RT-50, एको, SMRS, कोई नहीं चाहिए उनमें से, क्योंकि एक भी काम की गन नहीं है। यहाँ पे हीलिंग क्रेट होना चाहिए शायद। व्हाट्स दिस? ऑफलाइन, आई एम ऑनलाइन। एनीवेज, व्हाट्स दिस? एमओ। हैवी एमओ चाहिए। थैंक यू। अब चलते हैं ऊपर। ये क्या था इधर? ओ माय गॉड, हैवी एमो अच्छी खासी मिल चुकी है। लाइट एमो ड्रॉप कर लो, अगर कोई लाइट एमो गन है नहीं इसलिए। भाई साहब कहाँ से टपका ये? ठीक है, 17 है इसके पास, आई विल गो विद दैट। मेडकिट यूज़ करना चाहूँगा यहाँ पे गाइस मैं, तो मैं आपसे भी जोन में जाकर मिलता हूँ, क्योंकि आई डोंट थिंक सो इधर पे कोई बंदा होगा, और इसलिए मैं आप सभी को जोन में जाके मिलता हूँ। और भाई गाइस यहाँ पे मैं जोन में भाग रहा हूँ, और बहुत सारे लोग खेल भी हो रहे हैं ऐसे लोग। देखो गेम साउंड ऑन है, और ये जो मूवीज एंड रिकॉर्डर है उसको जब आप एक्टिवेट करते हो तब ज़्यादातर गेम साउंड पे क्या कहते हैं फोकस करता है, और हमारे साउंड को वो कर लेता है, क्या कहते हैं, थोड़ा बहुत लो कर लेता है। वो आ गया, रखते चलो ग्रेनेड भी रखते हैं। एमओ की कमी है, कमी है, अपन 1000 एमओ कर लेंगे। क्या गुंडा बनेगा रे तू? तो मैं एडरलेन अभी बहुत सेव करके रख रहा हूँ, क्योंकि जब काम आती है ना तब एडरलेन सबसे ज़्यादा काम आती है। ये आया कहाँ से, टपका कहाँ से? चलो हो गया। अंडर वाटर, ब्यूटीफुल है वाटर तो, इतना क्लीन वाटर अगर इंडिया में होता तो कितना ऑक्टी रहता ना।
वो पानी के अंदर से भी मार सकते हैं। फ्री फायर में तो ऐसा नहीं है रे, फ्री फायर वाले सुधारो गेम को अपने, कॉल ऑफ ड्यूटी जैसा बनाओ, कॉल ऑफ ड्यूटी जैसा वो बना भी नहीं पाएंगे। पबजी भी खुद कॉल ऑफ ड्यूटी जैसी नहीं है। क्या व्हाट्सअप आ रहे हैं, नेक्स्ट टाइम से व्हाट्सअप के नोटिफिकेशन म्यूट कर लूँगा, चाहिए ही नहीं मेरे को कोई नोटिफिकेशन। ऊपर चढ़ते देखते हैं। एक सेकेंड, व्हाट, मैं उधर से, अरे यार मैं रॉन्ग, भाई साहब पानी के अंदर सेफ जोन विल श्रिंक इन 5 मिनट्स। जोन कोलैप्स हो रहा है, जोन कोलैप्स हो रहा है, भागो 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 भागो, ओ भागो 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 भागो। अच्छा हुआ ना मैं उस साइड गया, वरना तो मैं स्किल को ले नहीं पाता। भागो भागो भागो, अभी के लिए तो भागो 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 भागो। वो भी लगता है सोलो भी स्क्वाड कर रहा होगा, पर एनीवेज भागो 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 भागो। ओके तो गाइस नेक्स्ट एक कंटेंट, कल एक मतलब एक और वीडियो आने वाला है, और आप सभी में से बहुत सारे सोचते होंगे कि आर्य बहुत रेयरली तू क्या कहते हैं वीडियो पोस्ट करता है, तो जी हाँ वीक में वन टाइम, दो वीक्स हो चुके हैं मैंने वीडियो पोस्ट नहीं किया। मैं वीडियो बना रहा हूँ गाइस, मेरे को एक्सपोर्ट जब वीडियो करना होता है ना तभी बहुत घंटा लाता है। एंड या माइनक्राफ्ट का पार्ट 2 भी आने वाला है, जिसमें मैंने पूरा फार्म हाउस कंप्लीट कर चुका हूँ मैं ऑलरेडी, अभी अभी मैंने उसको कंप्लीट किया है। एंड इवन मैं एक फ्री फायर का वीडियो लाने वाला हूँ, जिसमें हम लोग एक और कस्टम मैच करने वाले हैं, और जोन मेरे पीछे हाथ धो के पड़ा है यहाँ पे। हाँ तो मैं कह रहा था एक और कस्टम मैच करने वाले हम लोग, तो जा रहा हूँ ना जोन। क्या है ओ भाई साहब, जोन से मारू ना मैं, इसी और से मरू ना मरू, मैं जोन से पक्का मरने वाला था। अब फटाफट से नेक्स्ट जोन में निकल जाता हूँ, क्योंकि जोन एक ऐसी चीज है जो मुझे मार के ही रहेगी। फ्री फायर के अंदर भी बहुत बार मैं जोन से उड़ाऊ, और इसके अंदर भी जोन से कब बहुत बार, इसमें भी जोन से उड़ने की कोई इच्छा नहीं है मेरी। RTX 50 लेके बैठा है, तो मेरे को RTX 50 नहीं चाहिए, मैं स्नाइपर नहीं करता, मैं स्नाइपर नहीं हूँ। आई नो RTX 50 इस गेम की बेस्ट स्नाइपर है, बट एक और बंदा भी है इधर जिसकी मौत मेरे हाथ में। हाँ तो मैं क्या कह रहा था, फ्री फायर का भी मैंने एक वीडियो आने वाला है, रिकॉर्ड नहीं किया, 1v1 कस्टम कर रहे एक और यूट्यूबर के साथ अमन, और उसके यूट्यूब चैनल का नाम नहीं पता, वो मेरा फ्रेंड ही है बट उसके यूट्यूब चैनल का नाम पता नहीं है। आप सभी को पता चल जाएगा बहुत जल्द, मतलब आप एक मेडिकल क्रेट पढ़ा है, मेडिकल क्रेट है ना, आई गेस मेडिकल क्रेट नहीं है, फालतू क्रेट है, कोई काम का क्रेट नहीं है भाई। एयरड्रॉप हैज बीन डिलीवर्ड। ओके एक्सेंड नाउ डिफेंस मैन, शिप टर्मिनल इज ऑलमोस्ट रेडी। हैवी आर्मर 1000 हैवी आर्मर, 600 हैवी आर्मर हो चुके हैं।
फालतू भी रुक सकता है, टाइम पास कर सकते हैं। बहुत सारे प्लान्स हैं मेरे वीडियोस के लिए, एक्सपोर्ट भी हो रहा है और अपने ए टेक्निकल गुरु जी ने सर रेड डॉट भाई, रेड डॉट दो ऐसी, रेड डॉट ऐसी चीज़ है जिसे कभी भी वेस्ट नहीं करना चाहिए भाई। क्या मतलब, हाँ ठीक है, तो मैं क्या कह रहा था, बहुत सारी ऐसी ऐसी चीज़ें हैं जो मैंने प्लान करके रखी अपन के चैनल के लिए, वीडियोस भी रिकॉर्ड हो चुके हैं और माइनक्राफ्ट का सर्वाइवल सीरीज मैंने ऑलरेडी शुरू कर चुका हूँ, मैंने रिकॉर्ड कर लिया, अपलोड करना बाकी बेस्ट बात है। पर मैं देख रहा हूँ कि जितने भी लोग व्यू कर रहे हैं ना, उसमें से 50% पीपल ने सब्सक्राइब किया नहीं है, तो जाइए फटाफट से सब्सक्राइब कीजिएगा। मतलब इसका टीममेट भी होगा, देखते आता है या नहीं आता इसका टीममेट। ओ भाई साहब जोन कल्टी ले गया, चलो चलते हैं जोन में। सब जगह पे मेरा साथ जोन छोड़ देता है। एक और बंदा इधर है, फुटस्टेप्स भी नहीं आ रहे। और एक ही आफ्टर अ लॉन्ग टाइम मैन, कितना ढूंढा एक एक को, मेरे को बंदा दिख नहीं रहा इसलिए। एडलाइन का फटाफट से एडलाइन मारो भाई साहब, इसी चीज के लिए मैं एडलाइन रखा हुआ है। मेरे पास भी नेड है ऐसे। मुंह पे फूटा उसके नेड, मस्त नेड था। आई गेस वो उसका ही टीममेट था। किधर मार, बेस्ट चीज है यार नेड। ओ शिट, नहीं ब्रो ब्रदर, क्या है तेरे को, रुक मरा, चैन मिला, पागल गईगा। होलो ड्रॉप करो भाई, होलो ड्रॉप करो। फोर एक्स टैक्टिकल लिखा साइड में, आ 4x को इधर लगा, इसको ड्रॉप कर, ठीक है अभी होमो मार, ये नहीं मार सकते, मार सकते शर्ट। बहुत ओके ओके लूट था रहे उधर, बड़े चौके अपन के पास 3 एडल लाइन है, मेरे कुछ भी अच्छे खास है, सो ओके है। चलो ओ भैंस की, खुले में जोन पड़ा है, नहीं नहीं है बट मुझे 1v1 मेरे HPQ डाउन है यार। एडलाइन मार रहे, मुझे नहीं लगता उसने मुझे देखा होगा, बट आई नो वेयर इज ही, मैं भी जूम के अंदर, ओ उसने देख लिया। The safe zone is collapsing.
हाँ ना बेटी, नेड़ फेंकू क्या? पोस्ट कर रहा हूँ, मेरे को पता नहीं क्यों। बहुत ओके, अब ना चाहते हुए भी मुझे पुश करना पड़ेगा। किधर गया? गाइस सोलो वी स्क्वाड फर्स्ट, हमें ले चुके हैं हम लोग एंड कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल सोलो वी स्क्वाड अपन ले चुके हैं। वाओ यार, ये होता है मैन स्पिरिट मैन। ओ भाई, ओ जोन से अपन लड़े, एलिमिनेट द एंटायर स्क्वाड, एलिमिनेट अनदर एंटायर स्क्वाड, कितने स्क्वाड्स को एलिमिनेट किया, एलिमिनेट द एंटायर स्क्वाड अगेन एंड विक्ट्री। तो गाइस अगर आप सभी को आज का वाला वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। मैं आप सबसे अगले वाले वीडियो में मिलता हूँ, तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ, पीस आउट।